आपने मेरी पिछली वाली ब्लॉक्स फ्रूट्स की वीडियो देखकर ब्लॉक्स फ्रूट्स खेलनी सीख ली, पर आपके लेवल ब्लॉक्स फ्रूट्स में स्टिल जीरो हैं और आप देखते हो कि आपके फ्रेंड्स के लेवल तो मैक्स हुए पड़े हैं। तो आप मन ही मन में सोचते हो, यार अब मुझे भी मैक्स लेवल होना पड़ेगा, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सोचने के बाद आप ब्लॉक्स फ्रूट्स प्ले करते हो ये सोच के कि आपके मैक्स लेवल हो जाएंगे, पर बहुत सारी ग्राइंडिंग करने के बाद आपके लेवल सिर्फ 100 होते हैं। पर क्यों? क्योंकि आपको ब्लॉक्स फ्रूट्स में लेवल अप करना तो आता ही नहीं है। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो ब्लॉक्स फ्रूट्स में आपके लिए लेवल अप करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलना। तो गाइस इस वीडियो में मैं तीनों सीज की बात करूंगा। पहले हम फर्स्ट सी की बात करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड। तो ये है फर्स्ट सी का पहला आइलैंड। यहाँ पर आपको बैंडिट्स वाली क्वेस्ट लेनी है और 5 बैंडिट्स को डिफीट करना है। ये आपको करते रहना है जब तक आपके लेवल 10 नहीं हो जाते। और जब आपके लेवल 10 हो जाते हैं तो आप सोचते हो कि हमें जंगल आइलैंड में जाना चाहिए, पर वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपका लेवल अप बहुत ही स्लो होगा, मतलब आपकी ग्राइंडिंग बहुत ही स्लो होगी। आपको जंगल आइलैंड को स्किप करना है और आपको फाउंटेन सिटी जाना है जो फर्स्ट सी का लास्ट आइलैंड है। तो वहाँ पर जाने के लिए आप बस मुझे फॉलो करो। जब आप फाउंटेन सिटी में आ जाओ तो आपको ये जो स्टेयर्स दिख रही हैं आपको यहाँ पर चढ़ना है और आपको कोई भी क्वेस्ट नहीं लेनी। आपको बस इस एनिमी के सामने आना है और फिर दीवार के उस पार हो जाना है। अगर आप दीवार के पीछे हो तो एनिमी आपको डैमेज नहीं कर सकता, पर आप उसको डैमेज कर सकते हो। तो इस चीज का आपको फायदा उठाना है और इस एनिमी को यहाँ पर आपको मारना है। अगर आप ये करोगे तो आपके लेवल अब बहुत ही जल्दी होंगे क्योंकि ये एक हायर लेवल एनिमी है। पर ये करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है और वो ये है कि आपको कोई भी स्किल मूव नहीं इस्तेमाल करना, वरना जो एनिमी है वो भी आप पर स्किल चलाएगा और वो आपको डैमेज कर सकता है तो आप वन शॉट में मर जाओगे। इसलिए आपको कोई भी स्किल मूव नहीं यूज करना, आपको बस मेली अटैक्स यूज करने हैं। ये आपको करते रहना है जब तक आपके लेवल 55 नहीं हो जाते, और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको पायरेट विलेज जाना है। अब वहां पर जाने के लिए तुम कॉम्पास को भी यूज कर सकते हो यहां पर, या तो तुम मुझे भी फॉलो कर सकते हो। गाइस पायरेट विलेज जाने के बाद आपको इस एनपीसी से क्वेस्ट लेनी है, वो भी बॉस को डिफीट करने की। क्वेस्ट लेने के बाद आपको इस बॉस को डिफीट करना है, और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप वाल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो जो हमने पहले की थी। अगर ये बॉस अपना स्किल मूव चलाएगा तो आप डैमेज हो सकते हो, पर वो होने के चांसेस बहुत ही कम है। और जब आप इस बॉस को डिफीट कर लो तो आपको सर्वर वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको किसी भी रेंडम सर्वर को ज्वाइन करना है, मतलब सर्वर होप करना है। वो इसलिए क्योंकि वो भी बॉस हर 5 मिनट के बाद स्पॉन होता है, और अगर आप बॉसेस को मारोगे तो आपके लेवल अब बहुत ही जल्दी होंगे। तो आपको ये करते रहना है जब तक आपके लेवल 75 नहीं हो जाते, और जब आपके लेवल 75 हो जाए तो आपको डेजर्ट आइलैंड पर आना है। वहां पर जाने के लिए तुम कॉम्पास को यूज कर सकते हो। और डेजर्ट आइलैंड पर आपको डेजर्ट ऑफिसर वाली क्वेस्ट करते रहनी है जब तक आपके लेवल 105 नहीं हो जाते, और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको फ्रोजन विलेज पर जाना है। और फ्रोजन विलेज पर आपको सर्वर होप करना है येटी बॉस को जब तक आपके लेवल 130 नहीं हो जाते, और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मेरीन फोर्ट्रेस पर जाना है। अब मेरीन फोर्ट्रेस पर आपको वाइस एडमिरल बॉस को सर्वर होप करना है जब तक आपके लेवल 220 नहीं हो जाते, और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको प्रिजन आइलैंड पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको वार्डन बॉस को सर्वर होप करना है, फिर वार्डन और चीफ वार्डन को, और उसके बाद आपको सारे बॉसेस को सर्वर होप करना है जब तक आपके लेवल 350 नहीं
नहीं हो जाते। और आपको कोलोसियम आइलैंड पर नहीं जाना क्योंकि बॉसेस को ग्राइंड करना बहुत ही एफिशिएंट है। तो अगर आपको लेवल अप जल्दी होना है तो आपको बॉसेस को ही ग्राइंड करना पड़ेगा। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको जाना है मेगमा विलेज पर। अब मेगमा विलेज पर आपको मेगमा एडमिरल को सर्वर होप करना है जब तक आपके लेवल 425 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको जाना पड़ेगा दी अंडर वाटर सिटी में। अब इस आइलैंड को ढूंढने में काफी प्लेयर्स को दिक्कत आती है, तो आपको बस प्रिजन आइलैंड ढूंढना है और उसके बाद आपको बस मुझे फॉलो करना है। ये जो चार ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं यही है अंडर वाटर सिटी, तो आपको इसके अंदर जाना है। उसके बाद आप दी अंडर वाटर सिटी में आ जाओगे और यहाँ पर आपको फिश मेन रोड को सर्वर होप करना है जब तक आपके लेवल 500 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मिडल स्काई लैंड पर जाना है। तो वहां पर जाने के लिए आप कॉम्पास को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको विस्पर बॉस को सर्वर होप करना है जब तक आपके लेवल 575 नहीं हो जाते। और जब आपके लेवल 575 हो जाए तो आपको विस्पर गॉड और थंडर गॉड दोनों को सर्वर होप करना है जब तक आपके लेवल 625 नहीं हो जाते। और जब आप इस आइलैंड पर आ ही गए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑब्जर्वेशन आर्की ले लो। वो इसलिए क्योंकि उसकी मदद से आप एनिमीज के अटैक को डॉज कर सकते हो जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो ऑब्जर्वेशन आर्की आप इस एनपीसी से ले सकते हो। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको फाउंटेन सिटी जाना है। वहां पर जाने के लिए आप अपने कॉम्पास को यूज कर सकते हो। अब फाउंटेन सिटी आने के बाद आपको बस गैली पायरेट्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 725 नहीं हो जाते। आपको गैली कैप्टन्स या साइबोक को नहीं डिफीट करना, उससे आपके लेवल अब बहुत ही स्लो होंगे। आपको बस गैली पायरेट्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 725 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आप सेकंड सी में जा सकते हो। तो गाइस सेकंड सी में आने के लिए आपको 700 लेवल चाहिए थे, मगर मैंने आपको बोला था कि आपको 725 लेवल ग्राइंड करने गैली पायरेट। वो इसलिए क्योंकि लेवल 700 वाले एनिमीज एक दूसरे के सामने स्पोन ही नहीं होते और इतनी सारी एक्सपी भी नहीं देते। तो आपके लेवल 725 है मतलब आप मर्सनरीज को ग्राइंड कर सकते हो जो एक दूसरे के सामने स्पोन होते हैं, मतलब आपके लेवल अब बहुत ही जल्दी होंगे। तो मर्सनरीज को आपने ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 775 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको स्वान पायरेट्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 925 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको फजीडा बॉस को सर्वर होप करना है जब तक आपके लेवल 1000 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको जाना पड़ेगा स्नो आइलैंड पर। वहां पर जाने के लिए आप कॉम्पास का भी यूज कर सकते हो या तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। और अब यहाँ पर आपको स्नो ट्रूपर्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 1150 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको सर्वर ऑफ करना है स्मोक एडमिरल को जब तक आपके लेवल 1250 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको ग्राइंड करना है डेकेंस को जब तक आपके लेवल 1300 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको शिप स्टूवर्ड्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 1400 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है।
और अब यहाँ पर आपको सर्वर होप करना है अवेकेंड आइस एडमिरल को, जब तक आपके लेवल 1450 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको वाटर फाइटर्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 1500 नहीं हो जाते। और जब आपके लेवल 1500 हो जाते हैं तो आपको थर्ड सी वाली क्वेस्ट करनी पड़ती है। थर्ड सी जाने के लिए आपको बार्टिलो क्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जब आप बार्टिलो क्वेस्ट कर लोगे तो आपको रेड हेड एनपीसी से बात करनी है। और जब आपने इसका टास्क कम्प्लीट कर लिया तो आपको बात करनी पड़ेगी मिस्टर कैप्टन से। ये आपको टेलीपोर्ट करेगा थर्ड सी में। और अब थर्ड सी में आपको ग्राइंड करने पड़ेंगे पायरेट मिलीनियर्स जब तक आपके लेवल 1675 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको सर्वर ओप करना पड़ेगा आइलैंड एम्प्रेस को जब तक आपके लेवल 1750 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको किलो एडमिरल को सर्वर ओप करना है जब तक आपके लेवल 1825 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको फॉरेस्ट पायरेट्स ग्राइंड करने हैं जब तक आपके लेवल 1925 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको मस्केटीर पायरेट्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 1975 नहीं हो जाते। और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। She's not the girl in a cup. So that's good. Come on, do you feel bad?
और अब यहाँ पर आपको रीबोर्न स्केलेटन्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 2025 नहीं हो जाते, और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको डीमोनिक सोल्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 2075 नहीं हो जाते, और जब आपकी ये लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको पीनट स्कोर्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 2200 नहीं हो जाते, और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको कुकी क्राफ्टर्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल 2300 नहीं हो जाते, और जब आपकी लेवल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपको मुझे फॉलो करना है। और अब यहाँ पर आपको कोको वॉरियर्स को ग्राइंड करना है जब तक आपके लेवल मैक्स नहीं हो जाते। और गाइस ये थी वो लेवल अप गाइड जिसमें मैंने आपको लेवल 1 से लेवल 2450 तक गाइड किया। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ट्यूटोरियल्स बनाऊं इस गेम पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर अभी के लिए बाय बाय।